सो आई हैव डन विथ माई ब्लॉग एडिटिंग और ये रहा तो ऑलमोस्ट 902 MB का साइज़ हुआ है, तो देखते हैं ये रेंडर होने में कितना टाइम लगता है, इसको एक्सपोर्ट होने में कितना टाइम लगता है। सो दिस इज गैदरिंग ऑल द फाइल्स एंड इट सेज 4 मिनट्स। 4 मिनट्स तो भी इट्स अ बिग टाइम, लेकिन अपने पीसी पे लाइक पुराने वाले पे 10-15 मिनट लगते थे, सो इट्स मच फास्टर, लेकिन और क्विकली हो रहा है जल्दी जल्दी। तो रेंडर फटाक से हो रहा है, फटाक से अपलोड हो जाएगा ये। और अभी मैं फ्रेश होता हूँ, ब्रश नहीं किया अभी तक, ब्रेकफास्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो फटाफट करता है। और फिर आगे का आज के प्लान्स तो कुछ फिक्स नहीं है स्पेसिफिकली जैसे हर रोज़ की तरह, लेकिन यही है अभी ये सब सीखना है चीज़ें, तो इसी में पूरे दिन जा रहे हैं। सो सुबह आज हमारा इंटरनेट ख़त्म हो गया, तो इसके वजह से जो वाईफाई कनेक्शन होता है तो इसके वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रही। तो मैं मोबाइल डेटा से भी ट्राई किया लेकिन वो नहीं हो रही। मैं लगा के गया था, मैं ब्रेकफास्ट करके आया था, तभी भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है, तो मैंने कैंसिल कर दिया अभी जस्ट। तो अभी रिचार्ज किया है पिछला 1 घंटे से, वो लोग बोले रिचार्ज हो जाएगा थोड़ी देर में, अभी तक हुआ नहीं है, पता नहीं कब होगा। तो मैं तब तक बाकी का काम कर लेता हूँ, फिर जैसे ही रिचार्ज हो जाएगा, इंटरनेट चालू हो जाएगा, हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। और जो मैं कह रहा था कि डॉक नहीं चल रहा, तो ये वाला डॉक है, कापा करके कोई कंपनी है, 6-in-1 डॉक है। तो इसमें एक USB 2.0, एक USB 3.0, USB-C और माइक्रो SD और SD कार्ड, ये सब चलते हैं। और HDMI भी है, 4K 30 FPS तक सपोर्ट करता है, इन्होंने कहा है, सब डिटेल्स में लिखा है। लेकिन इसमें सीन ऐसा है कि USB चल रहा है लेकिन जो कार्ड रीडर है वो नहीं चल रहा, मतलब वो जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ, इनिशियल डेट करता हूँ, उसके बाद वो दिखाना ही बंद कर देता है। तो इसको मैंने अभी रिटर्न कर दिया है, तो ये आज मेरे ख्याल से आके वो बंदा लेके जाएगा। तो इसका मतलब अभी कुछ तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, कुछ मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही है। वैसे GoPro तो डायरेक्टली अपना जो चार्जिंग केस है इसका मैकबुक का, उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है USB-C to C, तो वो चल जाता है। और जो SD कार्ड रीडर है जो कैमरा से हम वीडियो बनाते हैं उसके लिए लगता है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ दिमाग में खुराफाती आइडिया चल रहे हैं। अगर वो सक्सेस होते हैं तो मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या ट्रिक की है उसके लिए। गुड इवनिंग गाइस, तो मैं दोपहर में सो गया था, तो बेसिकली मेरा लंच हुआ और उसके बाद बहुत सारे मतलब अचानक से काम आ गए, तो फिर वो कॉल्स एंड ऑल करते करते मेरा सर दुखने लग गया और फिर मैं सो गया। और मैं अभी उठा हूँ और अभी तक वाईफाई चालू हुआ है या नहीं पता नहीं मेरे को, इंटरनेट देखना पड़ेगा। सुबह रिचार्ज किया था, अभी तक उन लोगों ने एक्टिव किया है या नहीं वो चेक करते, अगर हो गया रहेगा तो वीडियो अपलोड पे लगाते हैं। और उसके अलावा बस इतना ही है। तो अभी 6 बज रहे, मेरे ही ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की नींद हुई, तो अभी करते हैं काम बाकी बचे हुए। सो अ न्यू वीडियो इज लाइव, सो अ न्यू वीडियो फ्रॉम न्यू लैपटॉप, न्यू मैक, एडिटेड ऑन नए मैक पे एडिट करके रेंडर करके अपलोड कर दिया। तो रेंडर सुबह ही हो गया था, अपलोड भी सुबह ही हो जाता था, लेकिन नेट का इशू था। सो इट्स लाइव नाउ, आपने देखा नहीं है तो आई बटन में कहीं पे मैं लिंक दे दूंगा, यहीं पे जाके चेक कर लीजिए। और आई एम फीलिंग वेरी मच लाइक परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है कंपेयर टू द ओल्ड लैपटॉप, भी ओल्ड लैपटॉप को भी 6-7 साल हो गए, तो उसके हिसाब से तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा होना ही है। बैटरी लाइफ तो बेस्ट दे रहा है, 20 आवर्स की गारंटी करती है एप्पल। इट्स वर्किंग, मतलब मैं आज चार्ज करता हूँ सो नेक्स्ट डे चल के उसके अगले दिन लाइक हाफ डे में कहीं पर मेरे को चार्ज करना पड़ता है। सो लाइक आई गेट ऑलमोस्ट 2 दिन का बैटरी लाइफ डिपेंडिंग अपॉन माई यूज़, मेरा यूज़ तो कंटिन्यूस है उस हिसाब से देखा जाए तो। और बाकी भी परफॉर्मेंस अच्छा है ब्राउजिंग एंड ऑल स्टफ का। तो जो मैं सुबह कह रहा था कि मैंने एक जुगाड़ सोचा है कि अगर मैं SD कार्ड में शूट करता हूँ कैमरा में DSLR में, तो वहाँ से मैं लैपटॉप के अंदर मैकबुक के अंदर कैसे लूँगा। तो बेसिकली वो है अपना लैपटॉप, तो उसमें ऑलरेडी SD कार्ड रीडर है, तो उसमें डायरेक्टली वो इंसर्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने एनी डेस्क के थ्रू उसका एक्सेस लिया है। सो बेसिकली एनी डेस्क मतलब आप किसी भी PC से दूसरा PC एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए कुछ थोड़े बहुत सेटिंग्स करने होते हैं और फिर उस हिसाब से आप दूसरा PC एक्सेस कर सकते हो, मतलब आपके LAN नेटवर्क में या फिर ओवर द इंटरनेट भी आप एक्सेस कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सेम LAN में होना चाहिए।
मैं वही करने का सोच रहा हूँ। तो अभी मैंने जो आज का व्लॉग एडिट किया तो वो अभी मैं पीसी पे उसमें अपलोड कर रहा था। सो उसका साइज़ ऑलमोस्ट 5-5.5 GB का साइज़ हो गया उसका, और ये यहाँ पे दिखा रहा है इट्स टेकिंग ऑलमोस्ट 1 hour 55 minutes, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटा लग रहा है 5 GB का फाइल इस लैपटॉप से उसमें ट्रांसफ़र होने के लिए। तो पता नहीं, मे बी ये इंटरनेट की वजह से हो सकता है, अगर इंटरनेट स्पीड कहीं पे फास्ट मिलेगा तो वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन दोनों साइड का इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। तो अभी ये तो लगा दिया है मैंने, देखते कितने टाइम में होता ही है। अभी ऑलमोस्ट 7:25 हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 1-2 घंटे में तो हो जाना चाहिए, इंटरनेट स्पीड अच्छी है। तो आज के ऑलमोस्ट सब काम हो गए, और मैं अभी फ़ोन यूज़ कर रहा था और ये अचानक से शट डाउन हो गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट वो अचानक से शट डाउन हो गया। अभी स्टार्ट किया है, पता नहीं स्टार्ट होगा नहीं होगा। चार्जिंग पे लगाया हुआ था, मे बी मेरे ख्याल से चार्जर ठीक से प्लग्ड इन नहीं था या क्या 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 प्रॉब्लम है पता नहीं, लेकिन वो शट डाउन हो गया चालू। तो आई गेस बैटरी गई हुई थी, चार्जिंग का कुछ इशू हो गया। ओके, तो वही है, आज के तो सारे काम हो गए, तो कुछ था नहीं, दिन भर घर पे था। आज दिवाली का फर्स्ट डे था धनतेरस का, बट आई वॉज ऑल होम क्योंकि काम ही चल रहा था, बिकॉज देर आर सम थिंग्स कमिंग अप। तो आपको 1-2 व्लॉग के बाद चीज़ें देखने मिलेगी। आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप, जो मैंने पिछले वाले व्लॉग में भी कहा था, तो उसी की तैयारी चल रही है। उसी के लिए लाइक जो आगे के काम है वो ऑलरेडी एडवांस में करके रखे हैं, तो बस ऑन दी गो थोड़े बहुत काम करेंगे, तो थिंग्स विल बी गुड। सो अभी के लिए ये व्लॉग एंड करते हैं, और अभी से मेरे ख्याल से रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी एंड से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए आगे आने वाले राइड्स और जो भी चीज़ है अपडेट्स के लिए। तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और फिर करते हैं ये व्लॉग एंड, और मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।